नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ऑल इंडिया वुमेन्स सेलेक्शन कमेटी ने महिला अंडर 19 टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये टीम पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ने वाली है और फिर अगले साल जनवरी में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी यही टीम जाने वाली है। इस टीम की कमान शेफाली वर्मा के हाथों में दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में आज किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। लालू यादव पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इधर मीसा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को अपने जर्मन समकक्ष एना लेना बेयरबॉक से मुलाकात कर यूक्रेन संघर्ष, भारत प्रशांत क्षेत्र और अफगानिस्तान में विकास सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री एना लेना बेयरबॉक के साथ नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली परेशानियों को समझने और न्याय प्रणाली में उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष कोर्ट ने एक व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर इस काम के लिए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट की एक समिति गठित की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 14,975 बूथों पर मतदान किया गया। इसमें 1,13,000 चुनाव कर्मचारी तैनात हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीपुर में निशान पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पैदल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली है। हैरानी की बात यह है कि ये शादी परिवार वालों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से हुई। इस शादी का वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के समय रोड शो किया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा किया है कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वह डरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस कानूनी कदम उठाने को लेकर चर्चा कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों उत्तराखंड में हैं। वह अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंची हैं। गांव पहुंचने से पहले उर्वशी ने सिद्ध बलि मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद अपने पैतृक आवास जय हरि खाल प्रखंड के सकमुंडा गांव पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यहां भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एनसीपी में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कन्नूर में कहा कि अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एनसीपी में आते हैं तो हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद बने रहेंगे, भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें अस्वीकार कर दे। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस थरूर को क्यों नजरअंदाज कर रही है। डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। कंपनी के मौजूदा सीईओ कृष्ण कुमार चुटानी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह राघव अग्रवाल को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अग्रवाल ने बीआईटीएस पिलानी से ग्रेजुएशन किया है जबकि आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया हुआ है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि 2023 की पहली छमाही 12 नए विमानों को शामिल किया जाएगा। इसमें A320 न्यू और बोइंग के 777 विमान होंगे। भारत के सर्विस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। सोमवार को एक सर्वे में बताया गया है कि नवंबर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह बाजार की परिस्थितियों में सुधार और मांग में इजाफा होने के कारण हुआ है। आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत अभिनीत फिल्म एन एक्शन हीरो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एन एक्शन हीरो को क्रिटिक्स द्वारा पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है और लोग फिल्म में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार यानी 5 दिसंबर को G20 बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं G20 में हिस्सा लेने जा रही हूं। इसके बाद मैं अजमेर शरीफ और पुष्कर आऊंगी। इसके बाद मैं सांसदों के साथ बैठक करूंगी, फिर कोलकाता लौटूंगी। दिल्ली में पीएम के साथ कोई भी 1-to-1 बैठक नहीं होगी, यह एक G20 मीट है।
छावला गैंगरेप केस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। पीड़िता को भयंकर यातनाएं देकर मारने के लिए निचली अदालत और हाई कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा दी थी, लेकिन इसी साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। मुकदमे के दौरान अनामिका कहकर पुकारी गई पीड़िता के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बन चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, केवल फारूक अब्दुल्ला ने ही नामांकन दाखिल किया था और सभी प्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला को बधाई दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में है। यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने बच्चों से बात की और रास्ते में एक ढाबे पर चाय की चुस्कियां ली। कांग्रेस शासित राजस्थान में पार्टी नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा सोमवार सुबह शुरू हुई। इसमें राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी दिखे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को जय सियाराम कहने की नसीहत दी थी। अगर मालवा में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ श्रीराम कहती है, उनकी पार्टी में कोई महिला विंग भी नहीं है। राहुल के इस बयान पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को आरएसएस की पूरी जानकारी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पति ने दावा किया है कि उसकी पत्नी को लूडो खेलने की इतनी ज्यादा लत हो गई कि वह खुद को भी इस गेम में हार गई, वह भी मकान मालिक के आगे। यह मामला रविवार शाम को सामने आया जब पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को अपने अपने पसंद के भगवान को मानने की आजादी है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की और कहा कि किसी को भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 1,00,000 का जुर्माना लगा है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पर ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर में हेरोइन के साथ पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है, साथ ही ड्रोन के जरिए लाए हेरोइन को जब्त कर लिया है। फिल्म हेरा फेरी 3 से फैंस के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो फिल्म में अक्षय कुमार की फिर से वापसी हो सकती है। मेकर्स का मानना है कि राजू का किरदार अक्षय से अच्छा कोई नहीं कर सकता। रिम्स की अव्यवस्था पर बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना रिम्स के डायरेक्टर कार्यालय के बाहर दिया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रिम्स की बदहाली पर सवाल उठाए। भाजपा ने कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने भी रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई और अहम मुद्दा बनाते हुए घेरा। प्रदर्शन में मौजूद राज्यसभा सांसद ने कहा कि आज से 3 साल पहले रिम्स की ऐसी स्थिति नहीं थी। गदर 2 का आखिरी शेड्यूल अहमदनगर में शूट किया जा रहा है। लव सिन्हा ने ट्विटर पर सभी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि गदर 2 के आखिरी शेड्यूल के लिए अहमदनगर में फोटोग्राफी। उनके इस ट्वीट पर फैंस जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद सीनियर टीम इंडिया पहली बार एक्शन में लौट आई है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में टीम के सीनियर खिलाड़ी खेलते नजर आए हैं। वहीं कोच राहुल द्रविड़ भी इसी सीरीज से टीम के साथ वापस जुड़े हैं, लेकिन टीम को पहले ही मैच में बांग्लादेश के हाथों 1 विकेट से हार का सामना पड़ा है। इस हार के बीच टीम इंडिया के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। मैनपुरी के वोटर्स अपना सांसद चुनने वाले हैं, जबकि रामपुर और खतौली के वोटर्स अपने अपने विधायक चुनेंगे। कार सवार 4 युवकों ने रविवार रात हिंडन एयरबेस में मुख्य द्वार से जबरन घुसने की कोशिश की। चालक नशे में धुत था, उसने सुरक्षाकर्मी पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। दूसरे सुरक्षाकर्मी ने बैरिकेड की मदद से उन्हें रोक लिया और चारों को पकड़कर साहिबाबाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। देश में एक तरफ जहां 5G सेवाओं की चर्चा जोरों पर है, वहीं कंपनियां अपने वर्तमान 4G प्लान्स को लेकर सतर्क नजर आ रही है। फिलहाल टेलीकॉम सेवाओं में जियो, एयरटेल और वोडाफोन का दबदबा है, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL को कम आंकना भूल होगा। हाल के दिनों में BSNL ने न केवल अपनी सेवाओं में सुधार किया है, बल्कि वह मार्केट में बने रहने के लिए नए नए प्लान लेकर आ रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, सोनू यादव, राजकुमार प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, पीयूष पटेल और विनोद सर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि हाल के दिनों में आपके लोकप्रिय नेता कौन से हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।